तो अंतर यात्रा से संबंधित चर्चाओं में हमने बस आपसे चर्चा यही की थी अभी पिछले क्रमों में पहली बार कि अंतर यात्रा का प्रयोग बाहर का प्रयोग नहीं है, ये अपने भीतर का प्रयोग है, अपने भीतर से जुड़ने का प्रयोग है। और उन चर्चाओं में मैंने ये बात की थी कि अंतर यात्रा का प्रयोग मूलतः कुंडलनी जागरण के प्रयोग के समकक्ष है, समकक्ष नहीं बल्कि वैसा ही प्रयोग है, वही प्रयोग है। नामकरण में जरूर फर्क है बट अंतर यात्रा का प्रयोग कुंडलनी जागरण का प्रयोग। और तीसरी बात, जब हम उस चर्चा को कर रहे थे तो उसमें हमने आपसे ये कहा था कि अंतर यात्रा के प्रयोग का अगर प्रयोग किया जाए तो उसमें सबसे उसका आध्यात्मिक आधार है वो है ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण। ऊर्जा ऊपर उठती है, जिसकी चर्चा हमने आपसे की थी कि बॉटम में ऊर्जा इन्फिनिट भरी पड़ी है, और जब हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो ऊर्जा वो धीरे धीरे जागृत होने लगती है, और निकलने के जो सारे मार्ग हैं, जो इंद्रियां हैं हमारी, कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से ऊर्जा रिलीज होती है। वह ऊर्जा जब कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों को हम रोक देते हैं तो वो ऊर्जा निकलने का सिर्फ एक ही मार्ग बचता है, और वह मार्ग होता है हमारा गुदा द्वार एनस, और जिसके लिए हमने चर्चा की थी कि वहां पर हम मूलबंध का प्रयोग करते हैं। और उस दिन संयोग से मैंने अंतर यात्रा में मूलबंध का प्रयोग भी करवाया था, आगे आने वाले वक्त में भी अंतर यात्रा में हम मूलबंध के साथ इसका अभ्यास को करवाएंगे। तो सारे मार्ग जब निकल जाते हैं, सारे निकलने के रास्ते बंद हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होने लगता है, ऊपर की ओर उठने लगता है, और उठने का रास्ता सुषुम्ना नाड़ी स्पाइनल कॉर्ड होता है, जिसके माध्यम से ऊर्जा मस्तिष्क तक पहुंचती है, जो मस्तिष्क को एक्टिव करती है, सक्रिय करती है, जागृत करती है। और इसी में हम जब प्रयोग करते हैं किसी ऊर्जा को जो मस्तिष्क में लाते हैं, उसको हम चैनलाइज कर देते हैं किसी अंग विशेष के लिए या पूरे शरीर के लिए, जो आपके हीलिंग प्रोसेस को फास्ट कर देता है और आपको उस ध्यान के प्रयोग से विशेष रूप से लाभ उपलब्ध होता है। आज हम इसके दूसरे आध्यात्मिक बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका हेडिंग है, कह सकते हैं, ईड़ा और पिंगला का संतुलन। ये नाड़ियों की बात आती है, शरीर के अंतर्गत जब नर्वस सिस्टम की चर्चा हमने पिछले क्रमों में की है, लेकिन नर्वस सिस्टम हमारे वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित है, और ये जो बातें हम अभी आपसे अध्यात्मिक कर रहे हैं ये हमारे अध्यात्म के ऊपर आधारित है। जहां तक ईड़ा और पिंगला की बात की गई है, ये शरीर के अंदर योग कहता है कि 72,000 नाड़ियां काम करती हैं। शरीर के लिए जो काम करने वाली नाड़ियां हैं उसमें 72,000 नाड़ियां हैं जो हमारे लिए काम करती है, जिससे शरीर संतुलन में चलता है। लेकिन 72,000 नाड़ियों में दो नाड़ियों की बड़ी उपयोगिता बताई गई है, बड़ा महत्व बताया गया है। पहली नाड़ी जिसके लिए कहा गया है वह पहली नाड़ी है जिसको ईड़ा नाड़ी कहते हैं, ईड़ा, और दूसरी नाड़ी है जिसको पिंगला नाड़ी के नाम से डिनोट किया गया है, बताया गया है। हमारे अध्यात्म में योग में आपको ये दोनों नाम उपलब्ध हो जाएंगे। ईड़ा नाड़ी का संबंध देखा गया है, जोड़ा गया है कि ईड़ा नाड़ी का संबंध हमारे दो नॉस्टिल छिद्र हैं, इन दोनों नॉस्टिल छिद्रों से भी इनका जोड़ा गया है, और इसको स्वर विज्ञान कहते हैं। इस पर बड़े काफी चर्चाएं हो सकती हैं स्वर विज्ञान के ऊपर। तो स्वर विज्ञान के अंतर्गत इसको जोड़ा गया है कि ईड़ा नाड़ी का संबंध हमारे लेफ्ट नॉस्टिल से है, पिंगला नाड़ी का संबंध हमारे राइट नॉस्टिल से है। योग में कहा गया है कि ईड़ा नाड़ी जिसे कहा जाता है उसे चंद्र स्वर के नाम से भी कहते हैं। लेफ्ट नॉस्टिल से संबंध जोड़ने का मतलब इसमें चंद्र स्वर और सूर्य स्वर की बात आती है। अभी चंद्र भेदी प्राणायाम आपको करवाया गया, सूर्य भेदी प्राणायाम करवाया गया, यानी उसके गुणधर्म को आपके भीतर लाने का प्रयास किया गया। तो चंद्र स्वर का मतलब लेफ्ट नॉस्टिल, लेफ्ट नॉस्टिल का मतलब ईड़ा नाड़ी से संबंध रखता है। पिंगला नाड़ी सूर्य स्वर को का द्योतक है, सूर्य स्वर को इंगित करता है। उसका दूसरा सूर्य स्वर राइट नॉस्टिल, और इसका संबंध जो नाड़ियों में है वो पिंगला नाड़ी से रखा गया है। एक संतुलित व्यक्ति के भीतर महत्वपूर्ण यह है कि जिस समय जिसकी जरूरत हो उस समय उस किस्म की नाड़ियां चले, तो वह व्यक्ति संतुलित माना जाता है, स्वस्थ माना जा सकता है। लेकिन मूलतः क्या होता है कि जब हमें जरूरत होती है लेफ्ट नॉस्टिल की यानी चंद्र स्वर की, तो पता चलता है कि चल रहा है राइट नॉस्टिल यानी सूर्य स्वर। जब हमें जरूरत है सूर्य स्वर की तो चल रहा है हमारी लेफ्ट नॉस्टिल चंद्र स्वर, जिससे शरीर के अंदर असंतुलन पैदा होता है और आपकी चीजें, आपकी जीवन व्यवस्था में बड़ी विकृतियां पैदा होती हैं, समस्याएं पैदा होती हैं।
जरूरत इस बात की है कि अगर हमें चंद्र स्वर की जरूरत है चंद्र स्वर चले, अगर सूर्य स्वर की जरूरत है तो सूर्य स्वर चले, अगर ऐसा चले तो शरीर संतुलित हो जाएगा, व्यवस्थित हो जाएगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे। ईड़ा संबंध जैसा कि मैंने बताया चंद्र स्वर से रखता है। चंद्र स्वर का मतलब कि ईड़ा किसी व्यक्ति की एक्टिव हो जाए, ज्यादा एक्टिव हो जाए, मोर एक्टिव से हम कह सकते हैं कि अगर ईड़ा नाड़ी किसी व्यक्ति की मोर एक्टिव हो जाए, ज्यादा सक्रिय हो जाए, तो उस व्यक्ति में चंद्रमा के गुणधर्म उपलब्ध होते हैं। चंद्रमा का गुणधर्म क्या है? शीतलता देना, शांति देना, पीस देना। लेकिन ज्यादा अगर हो जाए, ज्यादा एक्टिव हो जाए तो ज्यादा शीतल हो जाएंगे, ज्यादा ठंडे हो जाएंगे, और ज्यादा ठंडे होने का मतलब आप बिल्कुल एकांत प्रिय हो जाएंगे, कटे कटे से रहेंगे, खिन्न खिन्न से रहेंगे, मतलब किसी लोगों के बीच बैठना आपके लिए बड़ी मुश्किल होगी, नहीं बैठ सकेंगे। और ये स्थिति जब बनती है कि बहुत ज्यादा ही एकांत प्रिय व्यक्ति हो जाए तो उसको हम कहते हैं कि डिप्रेशन हो गया है। यानी चंद्र स्वर का ज्यादा सक्रिय होना आपके डिप्रेशन की ओर ले जाने की एक प्रक्रिया है। और अगर सूर्य स्वर किसी व्यक्ति के भीतर ज्यादा एक्टिव हो जाए तो सूर्य स्वर का सक्रिय होना सूर्य के गुणधर्म आपके भीतर उपलब्ध हो सकेगा। और सूर्य में गुणधर्म है गर्मी पैदा करना, उष्मा पैदा करना, ऊर्जा पैदा करना। अगर शरीर के अंदर ज्यादा गर्मी पैदा हो जाए, उष्मा पैदा हो जाए, तो उस व्यक्ति के भीतर क्रोध बढ़ेगा, आवेश बढ़ेगा, आवेग बढ़ेगा, उदंडता बढ़ेगी, आक्रामकता बढ़ेगी। यानी राइट नॉस्टिल सूर्य स्वर का ज्यादा सक्रिय होना हमारे लिए क्रोध, आवेश, आवेग, आक्रामक, उदंडता को बढ़ाता है। चंद्र स्वर का ज्यादा सक्रिय हो जाना हमारे भीतर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन को बढ़ाता है। तो अब हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि किस स्वर की हमारे भीतर ज्यादा हो, कौन सा स्वर ज्यादा चले। हमारे लिए महत्वपूर्ण यह बनता है कि दोनों स्वरों के बीच संतुलन बने, बैलेंस बने। बैलेंस बनने का मतलब कि जिस समय चंद्र स्वर की जरूरत है उस समय चंद्र स्वर चले, जिस समय सूर्य स्वर की जरूरत है उस समय सूर्य स्वर चले। यानी ईड़ा और पिंगला नाड़ी के बीच संतुलन पैदा होना। अंतर यात्रा का प्रयोग, जो इंटरनल ट्रिप का प्रयोग आप करते हैं, अंतर यात्रा का प्रयोग करते हैं, ये इन दुन्ही दोनों, इन दोनों नाड़ियों के बीच संतुलन पैदा करता है। जब संतुलन पैदा होता है तो व्यक्ति जब व्यवस्थित होने लगता है कि अगर हमें काम करना होता है तो उस समय उस व्यक्ति के भीतर सूर्य स्वर चल जाते हैं, पिंगला नाड़ी एक्टिव हो जाती है। और अगर हमें आराम करना होता है, रेस्ट करना होता है, नींद लेना होता है, तो उस समय व्यक्ति के भीतर चंद्र स्वर सक्रिय हो जाते हैं। तो नींद अच्छी आने के लिए चंद्र स्वर का सक्रिय होना, एक्शन यानी एक्टिविटी होने के लिए आपके सूर्य स्वर का सक्रिय होना। अगर हम भोजन करते हैं तो भोजन के समय में हमारे लिए कहा जाता है कि सूर्य स्वर का चलना महत्वपूर्ण है। अगर सूर्य स्वर चलेगा तो आपका पाचन तंत्र बेहतर तरीके से काम करेगा। लेकिन अगर नींद लेनी है, सोने के लिए जाना है, तो आपका चंद्र स्वर का चलना उतना ही आवश्यक है। कई बार आपने देखा होगा कि जब आप बेड पे जाते हैं तो नींद आती नहीं, करवट बदलते होते हैं। कई बार गौर से आप देखिए, वॉच कीजिए अपने आप को, स्वरों को चेक करिए, तो आप पाएंगे कुछ समय सूर्य स्वर चल रहा है। और सूर्य स्वर चलेगा तो नींद अच्छी नहीं आ सकती। आ सकती है नींद, बस उचटती सी आएगी, हल्की सी आएगी, लगेगा जैसे यार अच्छा अच्छी नींद नहीं आई। लेकिन अगर उसी क्रम को अगर चंद्र स्वर चलने लग जाए तो नींद अच्छी आएगी, जो तो कहते हैं साउंड स्लीप, वो साउंड स्लीप उपलब्ध हो सकेगा। और अगर साउंड स्लीप उपलब्ध होता है तो इसका मतलब नींद आपकी अच्छी आती है। और नींद अच्छी आने का मतलब यही हुआ कि वह चंद्र स्वर का सक्रियता। इसलिए जो खास तौर पे अंतर यात्रा का प्रयोग करते हैं, अंतर यात्रा के प्रयोग में इन दोनों नाड़ियों के बीच संतुलन पैदा होना महत्वपूर्ण होता है। और जब अंतर यात्रा का प्रयोग सुषुम्ना नाड़ी में चलती है तो अपने आप से ये दोनों नाड़ियां संतुलित हो जाती हैं, बैलेंस्ड हो जाती है। आप आश्चर्यचकित होंगे कि अभी तक चंद्र स्वर चल रहा है, अचानक से खाना आपके सामने आया, जस्ट अ सेकंड, कुछ सेकंड के अंदर, कुछ एक मिनट, 10 सेकंड, 20 सेकंड के अंदर आप पाएंगे अगर शरीर संतुलित है तो अपने आप से सूर्य स्वर चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे, ये संतुलन तब होता है जब हम इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर प्रयोग नहीं है आपकी इस व्यवस्था में
तो फिर ये संतुलित नहीं होता है, फिर वह इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, तरह तरह की समस्याएं हमारे भीतर पैदा होती है। इसलिए हमें अंतरयात्रा के प्रयोग के द्वारा इन दोनों का संतुलन करना महत्वपूर्ण। और योग कहता है कि अगर ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी दोनों संतुलन में आ जाएं, बैलेंस हो जाएं, तो एक तीसरी नाड़ी का जागरण होता है। और जिस नाड़ी को आपका पता है, जानकारी है, उस नाड़ी को हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। जो सुषुम्ना शब्द हम बार बार बोलते रहे हैं, लेकिन एक्टिव होता तभी है जब इन दोनों के बीच संतुलन पैदा होता है। जब ईड़ा और पिंगला संतुलित होती, व्यवस्थित होती है, तो तीसरी नाड़ी जागृत होती है, जिसको कहते हैं सुषुम्ना का जागरण। और सुषुम्ना का जागरण होने का मतलब व्यक्ति एक शांत अवस्था में आता है, पीस की अवस्था में आता है। और वह व्यक्ति जब ध्यान का प्रयोग आप करते हो तो कहते हो कि आज ध्यान बड़ा व्यवस्थित हो गया, बड़ा संतुलित हो गया, आनंद आ गया, मजा आ गया। ये कब हो सकेगा? ये तभी हो सकेगा जब दोनों नाड़ियों के संतुलन से तीसरी नाड़ी सुषुम्ना का जागरण हो। बिना सुषुम्ना के जागरण हुए बिना ध्यान में आप नहीं जा सकते। ध्यान में जाने के लिए इनका जागृत होना, सक्रिय होना आवश्यक है। इसलिए अंतरयात्रा का प्रयोग मूलतः इन दोनों नाड़ियों के बीच संतुलन पैदा कर सुषुम्ना को जागृत कर देता है, जिससे आपकी जो ऊर्जा नीचे अधोक मतलब मूलाधार पर बैठी है, शक्ति केंद्र पर बैठी है, उस ऊर्जा को ऊर्ध्वगम गमन करने का मार्ग प्रशस्त होता है। और वो ऊर्जाएं आपके ऊपर आती हैं, जो आपके दैनिक जीवन में भी कार्य करती हैं और आपके आध्यात्मिक जगत के विकास के लिए सबसे ज्यादा रोल अदा करती हैं। और वो उस मार्ग को खोल देती हैं, उस दरवाजे को खोल देती हैं, जिस दरवाजे से हम लोग पूरी तरह अनजान हैं, अनभिज्ञ हैं। इसलिए अंतरयात्रा का प्रयोग, मैंने जैसा कि पहले भी कहा था कि मेरे हिसाब से अंतरयात्रा का प्रयोग बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है, लेकिन सजगता साथ रखनी, क्योंकि अंतरयात्रा का प्रयोग का नुकसान भी बहुत बहुत है। इसलिए मैंने उस समय भी कहा था कि जब भी अंतरयात्रा में, क्योंकि ऊर्जा जब ऊर्ध्वगमन होने लगती है उसको सही दिशा देना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अगर दिशा में थोड़ी भी भटकाव होगी, तो मैंने ऐसे कई लोगों से मिला है, क्योंकि साधना केंद्र एक ऐसे स्थान में है, ऐसे लोगों के कॉन्टेक्ट में है कि तरह तरह के लोग वहां आते रहे। मेरे इस 25 साल के जीवन व्यवस्था में कई ऐसे लोग मिले जो बड़े परेशान, बड़े उद्विग्न, बड़े अव्यवस्थित हो चुके थे, क्योंकि ऊर्जा तो जागृत हो गई बट उसे दिशा न दे पाए, जिसके कारण उनके भीतर बहुत सारी विकृतियां, जैसा मैं कह सकता हूं, मैं तो विक्षिप्त लोगों को भी देखा उसके कारण। और उसके साथ साथ मैंने वैसे लोगों को भी देखा जो बेचैन है, अभी ऊर्जा सही दिशा नहीं जा पाई, स्थान नहीं दे पाए, और बेचैनी में परेशान है, और वो ये खोज रहे हैं कि कैसे हम उस बेचैनी से दूर। इसलिए अंतरयात्रा का प्रयोग फायदेमंद बहुत ज्यादा है, लेकिन नुकसानदेह भी है। इसलिए सही व्यवस्था के साथ अगर इसका प्रयोग किया जाए, एक सही गाइडलाइन के साथ किया जाए, तो ये प्रयोग आपके पूरे जीवन की दिशा को बदल कर रख देगा, पूरी प्रक्रिया बदल जाएगी जीवन की, पूरा आध्यात्मिक जीवन जीवन में बदल सकता है अंतरयात्रा के प्रयोग के द्वारा। लेकिन सही दिशा निर्देश सबसे महत्वपूर्ण है इसमें। तो ये आपको अंतरयात्रा का प्रयोग मूलतः, जिसे यानी ईड़ा और पिंगला का संतुलन की बात है, स्वरों की बात है। जैसे कई बार हम ध्यान आज भी कर रहे हैं, रोज ध्यान का प्रयोग हमारे साथ हो रहा है, और ध्यान के प्रयोग में आपको कई बार ठीक ठीक ध्यान लग जाता है, कई बार बिल्कुल नहीं लगता, और कई बार बहुत अच्छा लग जाता है। ऐसा आप कर रहे हैं पिछले महीनों से, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसा महसूस आपने जरूर किया होगा। तो आपने देखा होगा कि जिस दिन ध्यागर आप वॉच कीजिएगा, गौर कीजिएगा, कभी आप देखिएगा आगे आने वाले वक्त पर, कि अगर वॉच करेंगे तो देखेंगे जिस दिन बिल्कुल ध्यान नहीं लगा उस दिन चेक कीजिएगा, तब का राइट नॉस्टिल चल रहा होगा। जिस दिन थोड़ा थोड़ा ध्यान लगा होगा उस दिन चेक कीजिएगा अपने स्वरों को, तो आप पाइएगा आपका लेफ्ट नॉस्टिल चल रहा है। और जिस दिन बहुत अच्छा ध्यान लगा होगा कि आज तो आनंद ही आ गया, तो उस दिन आप वॉच कीजिएगा तो दोनों स्वर समान रूप से चलने लगे। दोनों स्वर समान रूप से चलने का मतलब ही आप अपने आप अपने भीतर है। और ये एक ऐसा वक्त है, प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था दी है जीवन व्यवस्था में, कि जिस समय एक व्यक्ति के ऐसा क्रम होता है, प्रतिदिन दिन में दो बार ऐसे वक्त आते हैं जहां दोनों स्वर समान रूप से चलते हैं और हर व्यक्ति के भीतर चलते हैं। ये नेचर ने आपको दे रखा है वो अनुभूति करने के लिए, वो महसूस करने के लिए, जिसको योग में शब्द दिया गया है संधिकाल।
संधि काल कहा गया है कि संधि काल एक ऐसा वक्त है जहां दोनों स्वर समान रूप से चलने लगते हैं, और जब दोनों स्वर समान रूप से चलते हैं तो व्यक्ति अति शांत स्थिति में आ जाता है। संधि का मतलब ही जोड़ होता है, संधि काल का मतलब समय का जोड़, जो समय को जोड़ दे। क्या समय का जोड़ का मतलब? सुबह के समय का जोड़ अगर कहें तो उसे हम उषा काल कहते हैं, जिस समय सूर्य उगा नहीं है, उगने वाला है और अंधेरा है नहीं, अंधेरा जाने जा चुका है और सूर्य उगने वाला है, इसके बीच का जो भाग है उसको संधि काल कहा गया है। यानी उषा काल कहते हैं, जहां लालिमा वातावरण में फैल रही है, वो उस समय आप गौर कीजिएगा, वॉच कीजिएगा तो आप पाइएगा बड़ा एक शांत स्थिति रहेगा, मन बड़ा पीस में रहेगा, और स्वरों को चेक कीजिएगा तो दोनों स्वर समान रूप से चलेंगे। और यही संधि काल एक बार और फिर दोबारे आएगा संध्या के समय में, जब रात्रि दिन खत्म हुआ है नहीं है, रात्रि अभी आई नहीं है, जिसको हम गोधली वेला कहते हैं। गोधली वेला वह वक्त है जहां दिन और रात का जोड़ है, उस समय भी स्वर अपने आप से समान रूप से चलने लगते हैं। लेकिन आज के भाग दौड़ भरी जिंदगी में, इतनी भाग दौड़ बड़ी जिंदगी है कि ये स्वर कब समान रूप से हुए, कब शांति आई, क्योंकि इतने भाग दौड़ बड़ी जिंदगी में कभी इसको देखने का मौका ही नहीं मिलता। बस थोड़ी सी सजगता बनाई और प्रकृति ने, यानी नेचर ने या समाज ने हमारे लिए ऐसी ही व्यवस्थाएं दी हैं। इसीलिए योग में कहा जाता है कि योग सुबह सुबह करो, ध्यान सुबह सुबह करो। ये करने की प्रक्रिया क्यों दिया गया? इसके पीछे एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण ये संधि काल था। हमारे ऋषि मनीषियों ने जब इसकी खोज की तो उन्हें लगा कि ये वक्त एक ऐसा वक्त है जिसमें व्यक्ति आसानी से और सहजता से ध्यान साधना को किया जा सकता है और उसमें जा सकता है, और उसकी थोड़ी सी अनुभूति, थोड़ी सी झलक अगर उसे मिल जाए तो उसकी जीवन की दिशा पूरी परिवर्तित हो सकती है, व्यवस्थित हो सकती है। लेकिन हम तो भागदौड़ भरी जिंदगी में कभी ध्यान ही नहीं दिए, हम तो सोए ही रह गए सुबह सुबह। आज लोग हमारे साथ लगभग 40 लोग जुड़े हुए हैं सुबह के कार्यक्रम में, इसका क्या कारण है? उनको संधि काल से कोई लेना देने नहीं, उनका संधि काल नींद में निकल जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर जगे रहेंगे तो ध्यान साधना योग उनके जीवन में आ जाएगा तो उनके लिए तो बड़ी दुख की बात हो जाएगी। इसलिए लोग जुड़ते नहीं है, भागते हैं, जबकि सुबह का वक्त सबसे बेहतरीन। और संध्या के वक्त में भी आप गौर कीजिए, हम शहरों में रहने वाले लोग हो गए हैं, शहरों में इन चीजों को हम भूल चुके हैं, लेकिन आज भी गांव के स्तर पर चले जाइए तो संध्या वंदना होती है संध्या के समय में। ये परंपरा है, ये व्यवस्था है प्रकृति की, और ऐसा नेचर ने और समाज ने बना रखा है संध्या वंदना, और जिसको हम गोधली वेला में कहते हैं संध्या दिखाओ, घर के अंदर दीपक जलाते हैं और ये करती, बट व्हाई? ऐसा क्या जरूरत पड़ी थी? लेकिन ये जरूरत इसलिए थी कि उस समय भी दोनों स्वर समान रूप से जागृत होते हैं और व्यक्ति शांत में होता है। अगर व्यक्ति शांत स्थिति में हो और वह एक्टिविटी करे तो उसकी एक्टिविटी नेचर के विरुद्ध हो रही है, और प्रकृति के विरुद्ध अगर एक्टिविटी हो रही है तो ये एक्टिविटी कभी भी बेहतर नहीं हो सकती। इसलिए उस वक्त में जिस चीज के लिए जो वक्त निर्धारित है, अगर उस समय उस चीज को हम करें तो उसका लाभ ज्यादा से ज्यादा हम पा सकें। इसलिए ये ध्यान रखने की जरूरत है कि आप इसका जरूर ध्यान रखिए। अब जिन लोगों को वक्त है वो आप इन दोनों समयों को जरा देखिएगा और वॉच कीजिएगा, संध्या के समय में भी गोधली वेला जो मैंने कहा है, और सुबह के समय में भी राइजिंग सन वे, जिस समय सन उगने वाला है उस समय वॉच कीजिएगा अपने आप को, तो आप देखेंगे ये दोनों स्वर बड़ी समानता में आती है। और अगर समानता में नहीं आती है, संतुलन नहीं बनता है, प्रकृति की व्यवस्था है जो होना चाहिए और नहीं हो रहा है, इसका मतलब शरीर के साथ हमने इतनी छेड़छाड़ कर दी है, इतना शरीर के अंदर इतनी स्ट्रेस एंजाइटी भर चुके हैं, इतना दिमाग को इतना घुमा रखे हैं कि वो स्थिति भी हमारे भीतर नहीं है, यानी शरीर पूरी तरह असंतुलन में है, फिर समस्याएं क्यों ना हो, फिर तो समस्याएं होंगी ही। इसलिए अंतर यात्रा के प्रयोगों के द्वारा एक बार फिर से उस प्रकृति को अपने जीवन में जोड़ सकते हैं, संतुलन ला सकते हैं, व्यवस्था ला सकते हैं। मूलतः कहने का मतलब यही था, समझने का अर्थ यही है कि हम अपने जीवन को अगर संतुलित करना चाहते हैं, व्यवस्थित करना चाहते हैं, जीवन को एक सही दिशा देना चाहते हैं, तो हमारे जीवन में ध्यान योग की जरूरत, बहुत बहुत जरूरत है, और उसमें अंतर यात्रा का प्रयोग एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रयोग है जो उसके संतुलन के लिए आपको सहयोगी होगा।
कई बार ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि क्या करूं, ये स्वर ही है जो उल्टा पुल्टा चल रहा है, मैं क्या करूं, मैं तो चाहता तो हूं। तो मैंने आपको बताया था, शायद पिछले क्रमों में भी मैंने बताया था कि स्वरों को खोलने का भी तरीका है, आप स्वरों को खोल सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। मैंने बताया था तीन तरीके मैंने बताए थे मूलतः। एक तो हमने पहला तरीका बताया था कि जिस करवट अगर आप लेट जाएं उसकी दूसरी साइड वाला खुल जाएगा। अगर लेफ्ट साइड की करवट लेटते हैं तो राइट साइड का स्वर खुल जाएगा, अगर राइट साइड की करवट लेते हैं तो लेफ्ट साइड का खुल जाएगा। यानी लेट कर किया जा सकता है। अगर लेटे लेटे कई बार जब नींद नहीं आ रही होती है, कई बार रात में आप सो रहे होते हैं, नींद नहीं आ रही है, करवट बदल रहे हैं, बड़ा मन बेचैन हो रहा है, तो आपको उस समय निश्चित रूप से राइट साइड की करवट लेटना चाहिए। ज्यादा नहीं, 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट लेटिए, अपने आप से लेफ्ट नॉस्टिल खुल जाएगी। और लेफ्ट नॉस्टिल अगर खुला तो चंद्र स्वर है, चंद्र स्वर का मतलब आपके मन में जो बेचैनी है, चिंता है, उसको घटाएगा और शीतलता पैदा करेगा, मन शांत होगा तो नींद निश्चित आएगी। करके देखिए, सब तो करने की चीज है, प्रैक्टिकली है। जब आप करेंगे एक दिन तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये तो बड़ा अच्छा, बड़ी अच्छी चाबी मिल गई है। और ये है, जब कई बार आप कार्य करते हैं, भोजन जिसका डाइजेशन अच्छा नहीं होता, गौर कीजिएगा, जिनको डाइजेस्टिव संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, वो आप जरूर ध्यान रखिए कि जिस समय आप खाना खाते हैं उस समय आपकी राइट नॉस्टिल एक्टिव होनी ही चाहिए। तो करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो करें, तो देखिएगा डाइजेशन थोड़े ही दिनों में होने लगेगा और डाइजेशन आपका बेहतर होने लगेगा। आप करके तो देखिए इसे एक बार। और उसके लिए तरीका मैंने बताया था कि अब खाना खाने के लिए टेबल पे बैठे हैं तो ऐसा तो करेंगे नहीं कि टेबल के नीचे जाकर पहले लेट जाएं और उसके बाद स्वर को खोल दें और फिर से खाना खाएं, ऐसा तो नहीं संभव है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ बैठे बैठे ऐसी एक्टिविटी हो जिससे स्वर खुल जाए। और मैंने आपको बताया था कि एक मुद्रा का प्रयोग, कि ये जो इंडेक्स फिंगर है और ये जो अंगूठे की जड़ है, अंगूठी की जड़ में लगाना, और ये बीच वाले भाग, ये जो बीच वाला भाग देख रहे हैं, ये मिडल पॉइंट, आगे का टिप को छोड़िए, लास्ट के टिप को छोड़िए, ये बीच वाले भाग पर इस अंगूठे को हल्का सा फोल्ड करेंगे, ऐसे मोड़ेंगे और इसके ऊपर हल्का सा दबाव दे देंगे, बस जस्ट हल्का सा प्रेस। जिस हाथ की दबाव दे देंगे वही खुल जाएगा। 5 मिनट वक्त जरूर देना पड़ेगा, 5 मिनट्स। तो आप अगर राइट खोलना चाहते हैं तो खाना खाने के लिए जब आप सोचते हैं, मन में प्लान करते हैं कि ठीक है जी खाना लगा दो, कहते हैं ना, लगाने वाले को भी तैयार करके आपके टेबल तक सजाने में 5 मिनट तो लग ही जाता है, और उस समय ही आप इस मुद्रा का प्रयोग कर दीजिए। खुला है तो ठीक है, नहीं खुला है तो भी कर दीजिए, तो खुल तो जाएगा ही जाएगा। और जब खुल जाएगा और जब खाना खाएंगे तो देखेंगे, पाएंगे कि आपका डाइजेशन ठीक होने लगे। नहीं तो ये हो गया स्वर खोलने का तरीका है। राइट को कर दीजिए, राइट खुल जाएगा, लेफ्ट को कर दीजिए, लेफ्ट खुल जाएगा। और अगर दोनों को कर दे तो दोनों खुल जाएगा। इसका मतलब जब ध्यान की पूर्व तैयारियों की चर्चा हमने की थी उस समय ये बात मैंने नहीं कही थी, ये बात हम आज कह रहे हैं आपसे कि अगर ध्यान करते हैं, ध्यान की तैयारी करते हैं तो 5 मिनट के लिए आप पहले शुरू के 5 मिनट आप दोनों को करें, ऐसे लगाइए, इसको जड़ में लगाइए, इसको हल्के से दबाइए। ज्ञान मुद्रा तो हम करते ही करते हैं, लेकिन इसके पहले हम इस मुद्रा का प्रयोग कर ले, इसके लिए तैयारियां हम कर लें, और 5 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग कर लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए, देखेंगे विद इन 5 मिनट्स दोनों स्वर खुल जाएंगे। और दोनों स्वर का खुलना ही आपको मैंने भी बताया कि आपका सुषुम्ना का जागरण है। और सुषुम्ना का जागरण हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? सुषुम्ना का जागरण यानी अपने आप से जुड़ जाना, एक शांति, एक पीस, एक आनंद की उपलब्धि हो। तो ये आपको इसका दूसरा बिंदु था, कीड़ा और पिंगला का संतुलन। और अंतर यात्रा के प्रयोग अगर करते हैं तो फिर ये सब लफड़े की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर तो सब कुछ अपने आप से बैलेंस होने लग जाएगा, संतुलन में आने लग जाएगा। ये तो सहयोग इसलिए लिया जाता है क्योंकि हम संतुलित नहीं है। अगर हम संतुलित हों तो हमें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए ध्यान यही रखना है कि आपको इन स्वरों के हिसाब से अगर अपने आप, क्योंकि अब देखिए ज्यादातर जो लोग अभी हमसे जुड़े हुए हैं, खास तौर पे लगभग 30 लोग जुड़े हैं जो हमारे परमानेंट हैं, 30 से 29 नहीं होता है, 30 जुड़ते ही है ना। और ये सब लोग हमारे वो लोग हैं जिनको, जो हमारे बुढ़े लोगों की श्रेणी में आते हैं। अब बुढ़े हो नहीं, जवान से ज्यादा जवान हो आप, लेकिन श्रेणी तो बुढ़ाई, उम्र तो कहता है वो बुढ़ापा, बट बुढ़ापा है नहीं। तो वो लोग हमारे साथ जुड़े, और आपके पास समय है,
अपने लिए कुछ करने का आपके पास वक्त है? उम्र के इस दौर में पता ही नहीं चलता कि हम करें क्या। आपके पास योग एक ऐसी व्यवस्था है जो आपको वो रास्ता देता है, वो व्यवस्था देती है, वो मार्ग प्रशस्त करता है, जो आप अपने लिए कुछ कर सको। जीवन के उस क्षेत्र में तो ज्यादा करते करते पूरी जिंदगी उसी में लगा दी, लेकिन अब वक्त मिला है कि थोड़ा सा अपने लिए करने का, तो ये वक्त है आपको अपने लिए करने का। तो इसलिए इसका प्रयोग आप करिए, और अगर कहीं आपको दिक्कत हो, तकलीफ हो, तो हम तो आपके साथ सदैव हैं ही, तो जब चाहिए फोन घुमाइए और बात करिए, डायरेक्ट बात करिए, कोई दिक्कत नहीं, कभी रोक नहीं है। और आप लोगों का फोन आता है तो आप लोगों के सारे के नंबर मेरे पास हैं। गलती से अगर मैं नहीं उठाता हूं तो आप घबराइएगा मत कि शर्मा जी तो अवॉइड कर रहे हैं, शर्मा जी का कॉल निश्चित लौट कर आएगा, पक्का आएगा, क्योंकि नंबर हमारे पास आपके हैं, तो हमारे साधक का नंबर आता है। तो उस समय हो सकता है मैं बिजी हूं, किसी और जगह हूं, किसी और में बात कर रहा हूं, कहीं कोई क्लास में मैं हूं, ऐसा हो सकता है, लेकिन जैसे ही उस कॉल का बैक जरूर जाएगा, ये निश्चित मान के चलिएगा। तो जिन लोगों का फोन आएगा, आप लोग जब जहां दिक्कत हो आप हमसे सीधे संपर्क में रहें, कोई दिक्कत नहीं है, जहां तक हमें बन पड़ेगा हम आपको पूरा सहयोग करें। तो मूल बात आज तो हम यहीं ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि समय हो गया है, प्रश्न ले लेते हैं। बिल्कुल, तो कमल लाला एक क्लास और आगे करना पड़ेगा। जी लखा बोल रहा हूं। जी सर बोलिए। दो दो बिंदु है सर, एक तो नींद की काफी चर्चा हुई अभी कि भाई नींद के लिए जी, और ईश्वर की अनुकंपा है कि इच्छा निंद्रा में मैं जीता हूँ, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक सवाल यहाँ उठता है कि जैसे आपने कहा नींद अगर पाए या छटपटी रहे जी, तो चंद्र स्वर के लिए आपने राइट साइड करवट बदले तो खुल जाता है जी, और जो सही है वो खुलने का तरीका आपने बताया। लेकिन निंद्रा शास्त्र ये कहता है सर, जो मेरी जानकारी है, भाई सोने के टाइम में लेफ्ट करवट में सोना चाहिए, तो इसमें थोड़ी सी असंगति है क्या? ये मैं मतलब हाँ बिल्कुल रिकॉन्साइल नहीं हुआ सर। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसमें कहा गया है, एक उदाहरण कही गई है, एक व्यवस्था कही गई है, वो मैं बताता हूँ। कहते हैं सीधा सोए योगी, उल्टा सोए भोगी, दाएं सोए रोगी और बाएं सोए निरोगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने कहा वो बात प्रूफ हुई, सही आपकी बात को मैंने प्रूफ किया। अब हम अपनी बात को प्रूफ करते हैं आपसे, है ना। मूलतः क्या है यह बात, जो ये जो मैंने अभी कविता पढ़ी, वो कविता उस क्रम में पढ़ी, जो आप अगर संतुलित हो तो यही व्यवस्था आपके जीवन व्यवस्था में निद्रा अवस्था में उपलब्ध होगी। अब सो गए हो, अगर आप योगी हो तो चाहे मैं कितने भी बजे सोए हुए में जाऊंगा तो आप सीधे ही मिलोगे सोए हुए। अगर कोई भोगी है, कामी है, भौतिक जगत में लिप्त प्राणी है ज्यादा, तो वो जब भी मिलेगा जाएंगे तो जब सोई अवस्था में, जिस अवस्था में ऑलरेडी वो सोई हुई सोया हुआ, स्टार्टिंग नहीं जस्ट उस बीच की स्थिति, तो वो उल्टा ही मिलेगा मेरे। और अगर रोगी होगा तो वो मिलेगा हमें राइट साइड की करवट लेते हुए, और जो भोगी जो निरोगी होगा और लेफ्ट साइड की करवट। ये निंद की स्थिति में शारीरिक स्थिति ऐसा ही बन जाएगी, क्लियर है ये। लेकिन मूलतः क्योंकि हम ये तो नहीं मान रहे ना कि हम संतुलित हैं और स्वस्थ हैं और व्यवस्थित हैं, वह बात जो कही गई है वह उसके लिए कही गई है कि जो स्वस्थ है, संतुलित है, व्यवस्थित है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं कि आपकी बेचैनी है, व्यग्रता है, अनकंफर्टनेस है, अनइजनेस है, तो उसको एक बार स्वरों को खोलना पड़ेगा। जब तक स्वरों को खोल ना दे, और खोलने के बाद ऐसा नहीं कि तुरंत से हमने अभी लेफ्ट साइड की करवट खुलवाई और 5 मिनट में खुल गया तो आप फिर से राइट हो जाओगे, ऐसा नहीं करना है। 5 मिनट के लिए फिर सीधा सो जाओ। जी मैं बतलाऊं, मैं मेरे को जानकारी नहीं थी, लेकिन आपने जो बात बतलाई ना कि सीधा सोए जोगी है ना, और उल्टा सोए भोगी, और दाया सोए रोगी और बाया सोए जोगी, तो मैं चेष्टा करता था बाया करके ही सोने की, ठीक है ना, अपना अनुभव बतला रहा हूँ। तो रात में मेरी कई बार नींद टूट जाती और उस समय मैं देखता था कि मैं राइट साइड करवट लेके सोता हूँ तो मेरे को नींद आ जाती थी, लेकिन मन में ये होता था ये पोस्चर तो सोने का सही नहीं है क्योंकि ये तो रोगी का लक्षण है। लेकिन आज आपने क्लियर किया कि वो दाहिना साइड होने से देखिए आपको नींद आ जाएगी, और सही मैं बतला रहा हूँ, प्रैक्टिकली मैं अपना बतला रहा हूँ। मैं यही देखा कि मैं राइट साइड होकर के जब सोता हूँ मेरे को नींद आ जाती है, लेकिन
आज आपने क्लियर किया कि नींद क्यों आ जाती है राइट साइड करवट नहीं, वो ठीक है। नौलखा जी का प्रश्न अपनी जगह बिल्कुल सही है और ये दोनों एक दूसरे कंट्रोवर्सी है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप नौलखा जी, आपकी बात को मैं नहीं काट रहा हूँ, बिल्कुल सही है, मुझे भी पता है वो तो पता, इसीलिए मैंने वो कविता सुना दी आपको कि उससे आपको पूरा का पूरा मापदंड समझ में आ जाएगा। बट क्योंकि शरीर असंतुलन में है, अव्यवस्था में है, तो हमें एक व्यवस्था देनी पड़ेगी। जब तक हम किसी प्रयोग को नहीं करेंगे, डेवलप नहीं करेंगे, तब तक वो चीजें जीवन में नहीं जुड़ पाएंगी, क्योंकि हमने तो बिगाड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ी। ये भले शरीर ही ऐसा है जो बिगड़ नहीं पाया उतना जितना हमने बिगाड़ना चाहा, ये शरीर की क्या कहते हैं उसको, शरीर ही इतना व्यवस्था निचल